ये कौन सी ब्रांड लाया रे? अबे चढ़ गई तो बस है ना, मेरे को तो कोई भी चलती अबे है। अबे कम पी रे, तेरे को गाड़ी चलाना है। पीने के बाद ना टेम्पो को मैं प्लेन जैसा चलाता हूँ। अबे तूने सुना ये प्लेन जैसा चलाता है बे? अबे कौन ठोक रहा है बे? जाके देख कौन ठोक रहा है। अरे 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 आ गया मैं। ए कौन आ रहा तू भूतनी के? अरे बीड़ी जलाने के लिए माचिस चाहिए माचिस। ए नहीं यार माचिस, चल निकल। ए देना भाई, सुनना यार, एक बार बोला ना तुझे, चल निकल। अरे सुन तो सुन। अबे कौन है? देखना कब से ठाक 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 लगा के रखा है। एक बार तुझे बोला ना, नहीं है, चल निकल। अरे पर अरे ए निकल। अरे बीड़ी थोड़ी मांग रहा हूँ, माचिस मांग रहा हूँ माचिस। अरे ये देना, ये सुनना, ये अब तू मार खाएगा, बोल रहा हूँ तुझे। हाँ तेरी तो ऐसी की तैसी है। इतनी ही जमीन है मेरे पास, थोड़ा थोड़ा मुझ पर दया कर दीजिए। दया कर दीजिए मुझ पर। मेरे भाई बाबा ने मेरा नाम दया रखा है क्या? दया? पर इसकी तो यहां घंटा दया नहीं है, घंटा। हमारे नाना सेठ को तेरी जमीन पसंद आ गई है, अब तो वो चाहिए मुझे। चल साइन कर, साइन कर, चल। तेरी की तो तू, ए मारो इसे। माफ कर दे मुझे, माफ कर दे। गलती होती तो माफ़ी,
गुनाह के लिए सजा। यार जग्गू, हाँ रॉकी का मुझे बहुत टेंशन हो रहा है यार। अरे बाबा, रॉकी के कंधे पे अब सुल्तान भाई का हाथ है, और सुल्तान भाई ने जिसके कंधे पे अपना हाथ रखा वो अपने दुश्मन को नरक के गेट तक पहुंचा देता है। टेंशन मतलब वो अभी सबको टपका के आता होगा। यार उसके साथ कुछ हुआ तो नहीं होगा ना? तुम दोनों भी ना झिंगुर और झिंगुर। जग्गू मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है यार, मैं जरा उसको देख कर आता हूँ यार। हाँ चल मैं भी चलता हूँ। भाई के लिए वो आ रहा है ना नीचे। अरे चलना यार तू। रॉकी यार ये ऐसा है ना दादा, हम अपने फ्रेंड के फार्म हाउस पे पार्टी करने गए थे, तब अचानक से सर दर्द होने लगा और चक्कर आने लगा। बैकवर्ड सर, क्या है? नीचे और भी ढेर सारी बॉडी मिली है और एम्बुलेंस भी आ गई है। अच्छा। ए मेरे बुलबुल, जाने मन जाने जिगर, कच्चा खा जाऊं तुझे, इसकी तो फोन छोड़ो ना। हेलो काले साहब, क्या रहा है भूतनी के? क्या? हाँ कच्चा खा ना मुझे। तेरी तो पनौती कहेगी। अरे क्या तुम लोगों का एक ही काम है क्या? चल दे, अगली बार अगर पूरा पैसा नहीं मिला ना तो माल नहीं मिलेगा, पहले ही बता देता हूँ। हाँ बोल काले। घनो भाई क्या साहब? फोन नाना सेठ, कल रात को ना अपने दया को किसी ने टपका दिया, उसकी साइड से ना माल भी गायब है, बहुत नुकसान हो गया। जंगल में आग लगने के बाद उसे शांत करने के लिए बारिश को नीचे आना ही पड़ता है। ए बाबा जरा बोलना, क्या देखा तू? ए तेरी तो कोई भूत देख लिया क्या तूने, जो इतना घबरा गया? राणे साने, ये क्या फालतूगिरी चल रही है? हाँ सब बंद करो बंकस, मैडम आ रही है। अब हमारी मैडम आ रही है, अब तेरे अंदर से वो पूरा भूत बाहर निकालेंगी, देखना पोपट की तरह बोलेगा फटाफट। जय हिंद मैडम। मैडम कल रात को यहाँ पर बहुत लोगों का मर्डर हुआ, पर इस आदमी को तो बहुत ही बुरी तरह से मारा गया मैडम। इट्स नॉट अ मर्डर, इट्स अ रिवेंज। रिवेंज क्या मतलब मैडम? इसमें क्या रॉकेट साइंस है गायकवाड़, जरा अच्छे से देखो। टॉर्चर करके मारा गया इसे, एक झटके में नहीं मारा। आप फोटो अच्छे से निकालना, मुझे क्लोजअप देखने। ठीक है मैम। गायकवाड़। हाँ मैडम। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। यस मैम। और ये कौन है? मैडम ये आई विटनेस है कल के हत्याकांड का, कल रात को दया से मिलने आया था ये। इसे ताबे मिलो। ए, चल, 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 चल। ओके मैम। और मेरे अलावा इससे और कोई नहीं मिलेगा। यस मैडम। गायकवाड़ मुझे पंचनामे की रिपोर्ट अच्छे से चाहिए, मुझे गलती बिल्कुल पसंद नहीं है, लास्ट टाइम यू नो व्हाट हैपेंड। यस मैम। जैसे ही हमें कोई फुल प्रूफ रिपोर्ट मिलेगी हम आपको जरूर बताएंगे, और मीडिया से तो हम बाद में बात करेंगे। थैंक यू, प्लीज आप हमें हमारा काम करने दीजिए। थैंक यू।
मैडम, पर यहाँ पे किसी की बॉडी नहीं मिली। कुछ तो गड़बड़ है गायकवाड़, इस दया का क्या है? मैडम, ये दया बाहर से बहुत अच्छा इंसान था, पर अंदर से पूरा का पूरा काला। मतलब बिल्डर है, पर वो सिर्फ दिखाने के लिए है। जमीन पर कब्जा करना, इल्लीगल कंस्ट्रक्शन करना, हफ्ता वसूली करना, ये इसका मेन काम था। तो अब तक कोई कार्रवाई हुई नहीं उसके ऊपर? नाना मैडम। नाना मतलब? नाना का राइट हैंड था। किधर है अभी नाना? अभी मंत्री साहब तो दिल्ली में है, इलेक्शन का काम चल रहा है। दिल्ली इलेक्शंस, मतलब प्रचार के लिए तो वो जरूर आएंगे। हाँ। तो चलो हम ही लोग उनके प्रचार की शुरुआत करें, क्या? यस मैडम। कौन? मैं हूँ विवेक, मैं हूँ चाचा। ये चाचा आपके लिए लाया हूँ। तबीयत कैसी है आपकी? जैसी थी वैसी ही है। चाचा सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़े दिन और। हाँ। अरे ये क्या दिखा रहे हैं टीवी पर? सवेरे से ही देख रहा हूं मैं, बता रहे हैं कि दया का मर्डर हो गया है। चाचा इसके बारे में मुझे भी कुछ पता नहीं, अभी पता चला मुझे। ठीक है चाचा मैं निकलूं। जा रहा है तू? ठीक है जा। चाचा भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं। नाना सेठ चालू है, इन्वेस्टिगेशन चालू है। चुप कर, मेरा आदमी मरा है और तेरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तुझे भी जाना है क्या? अब मैं क्या कर सकता हूँ नाना सेठ, वो नई एसपीआई है ना कल्पना मैडम, उसके पास केस है। अरे तो तू क्या उखाड़ रहा है उधर? चल, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बोला ना चुप चल, सीधे चल। मुझे कुछ नाना, दया का जहाँ मर्डर हुआ था ना, ये वहाँ फिर रहा था, ये सामने वाली पार्टी का आदमी है, बोल किसको टिप दिया, बोल। मेरे को कुछ नहीं पता, छोड़ दो। आज रात को उस पाटिल को गाड़ दूंगा मैं जमीन में। गनू इलेक्शन चल रहा है, संभाल के खेल खेलने का। रात को रिजवी आया था ना दया से मिलने के लिए? हैं? क्या रे काले, उसकी बॉडी कहाँ है? उसकी कस्टडी एसपी कल्पना मैडम के पास है ना? काले, नाना शतरंज का वो राजा है जो चलता है सिर्फ एक ही घर, पर सब प्यादों को चलाता है 64 घर। 24 घंटे, सिर्फ 24 घंटे। हाँ बाबा, मैं जानता हूँ तू मेरे लिए बहुत एडजस्ट करती है। भगवान की कृपा है, समझ में तो आया।
है जो मुझसे, भिड़ता है जो मुझसे, लड़ता है जो मुझसे, भिड़ता है जो मुझसे, बजाता हूँ मैं उसका ताशा रे। लड़ता है जो मुझसे, भिड़ता है जो मुझसे, बजाता हूँ मैं उसका ताशा रे। दुनिया अपनी रंगीली, यारों के संगीली, अपनी बोली सबकी भाषा रे। अपना ही मन वाला ढांचा रे, अपने संगम का भी राज चाचा रे। सारी दुनिया के हम बादशाह, वाह वाह बदादा, वाह वाह वाह, वाह 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 रॉकी दादा, वाह 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 बदादा, वाह वाह वाह, वाह 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 रॉकी दादा, वाह 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 बदादा, वाह वाह वाह, वाह 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 रॉकी दादा, वाह। दुनिया चलती है सेटिंग पे, अपने लिए सभी वेटिंग पे, अपने तो चर्चे रे, वायरल हर घर पे रे, रॉकी दादा ऑलवेज ट्रेंडिंग पे। दुनिया चलती है सेटिंग पे, अपने लिए सभी वेटिंग पे, अपने तो चर्चे रे, वायरल हर घर पे रे, रॉकी दादा ऑलवेज ट्रेंडिंग पे। ओलंपिया वाला ढांचा रे, अब ही करीना को भाता रे, सारी दुनिया के हम बादशाह, वाह 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 दादा, वाह वाह वाह, वाह 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 रॉकी दादा, वाह 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 दादा, वाह वाह वाह, वाह 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 रॉकी दादा, वाह 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 दादा, वाह वाह वाह, वाह 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 रॉकी दादा, वाह 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 दादा, वाह वाह वाह, वाह 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 रॉकी दादा। क्या जरूरत थी मारामारी करने की? यही संस्कार दिए हैं क्या मैंने और तेरी भाभी ने तुझे? रॉकी, मैं तुझे एक बात बताने जा रहा हूँ, कान खोल कर सुन ले। हर समय मारामारी करने से समाधान निकल जाएगा ऐसा नहीं है, कभी कभी शांत दिमाग से भी सोच कर देख। ध्यान रख, ये जो तेरा गुस्सा है ना, इसी गुस्से की आग में जलकर एक दिन खाक हो जाएगा तू। अगर तुझे इतना ही गुस्सा निकालना है ना, तो निकालना अपने करियर पे, काम पे, प्रोफेशन पे, वहां दिखा गुस्सा। ये सारे मेडल सर्टिफिकेट्स किसे मिले थे? किधर है वो रॉकी? मुझे वो पुराना रॉकी चाहिए। जिंदगी में सेटल होना है ना, क्या सोचा है कि नहीं कभी जिंदगी में सेटल होना है? अरे शादी करनी है? दो करनी है दादा। क्या? दो शादी। दो शादी? हाँ दादा। क्यों? वो जाने दो ना दादा, बहुत भूख लगी है कुछ। विद्या आज लड़कों को उपवास में रखेगी क्या? आ रही हूँ, गर्मा गर्म भजिया बना रही थी। मुझे लगा आज डांट से ही आप इन लोगों का पेट भरने वाले हो। बाजू में हटो ना, ए चलो तुम लोग खाओ, भूख लगी है ना। ठीक हो, तू भी खाना, ए तू भी ले। सुनो, आज रॉकी पर कितना नाराज हुए आप, अब बड़ा हो गया है वो, इसीलिए गुस्सा हुआ हूं। विद्या, हमेशा मुझे उसकी चिंता बनी रहती है, पर जो उसका अखड़ स्वभाव है ना, उसको बदलना होगा। कभी वो कोई गलती ना कर बैठे। अब इस उम्र में उसे शादी नहीं करनी चाहिए, सेटल नहीं होना चाहिए। कब तक ऐसी मस्ती करता रहेगा और मैं कब तक उसे इस तरह पालता रहूंगा? आपकी चिंता, आपका प्यार दिख रहा है मुझे, पर रॉकी होशियार है, वो हो जाएगा सेटल। आप चिंता मत करिए। रॉकी, आज दादा ने जो कुछ भी बोला, उनकी बातें तुझे बुरी तो नहीं लगी ना? नहीं यार, पर दादा हमेशा सच ही बोलते हैं।
हमें सीरियसली अपनी लाइफ सेटल करनी ही पड़ेगी। बराबर है यार रॉकी तेरा। यार हम दोनों के ही आई बाबा हैं हमारे पास, पर अजय दादा जैसा बड़ा भाई नहीं है। उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है यार दिल में। आज दादा ने जो कुछ भी बोला ना, अच्छा लगा मुझे। बचपन से ही मेरे लिए बहुत कुछ किया है मेरे दादा और भाभी ने, और अब ना उनका एहसान चुकाने की बारी मेरी है। दादा, भाभी, चीकू, इन सबको बहुत खुश रखना चाहता हूं मैं। उनके लिए मैं कुछ भी करूंगा। तू ना सिर्फ अपने गुस्से को कंट्रोल कर, उसके बाद देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो तो मैं अब करूंगा ही। ए रॉकी, भाभी ने क्या भज्जी बनाई थी यार, मस्त एकदम। ए अव्या, मेरे लिए लेके आना यार अगर बची हो तो, बहुत भूख लगी है यार, और बिस्किट भी खत्म हो गए। हमारा क्या चल रहा है, तेरा क्या चल रहा है, चुप बैठ। भुक्कड़ कहीं का। रॉकी, नहीं यार, अब बहुत हो चुका। कल से हमें सीरियसली जॉब ढूंढना शुरू करना ही होगा। और अब तू देखना, दादा को कुछ तो करके ही दिखाऊंगा। तुम्हें बहुत सारे अवार्ड्स और सर्टिफिकेट जिम्नास्टिक में मिले हैं। हाँ, दैट्स रियली वेरी गुड। थैंक यू सर। पर तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस तो नहीं है? यस सर, बट जॉब सिर्फ एक्सपीरियंस वालों को ही देंगे तो हम जैसे नए लोग अपना टैलेंट कैसे दिखा पाएंगे? ओके। हेलो। हाय संजना, कैसी है और क्या कर रही है? कुछ नहीं। अच्छा सुनना, आज तेरे फेवरेट रेस्टोरेंट में मिलें क्या? क्यों, किस लिए? नहीं, मिलने के बाद बताऊंगा। आज कुछ खास है क्या? खास है तभी तो कह रहा हूँ। ठीक 7 बजे मैं तुझे तेरे घर से पिक करूंगा। ओके, तू तैयार रहना। ओके, मैं तैयार ही रहूंगी। और संजना सुनना। क्या? आई हेट यू रॉकी। खड़ूस। अब कब बोलेगा तू रॉकी? और बताना, हम बाइक पर थे तब से पूछ रही हूँ मैं तुझे, क्या हुआ है, क्या हुआ है? मुझे जॉब मिली है। वाओ। अरे थोड़ा शांत रहना। सॉरी। ये रॉकी, कितनी अच्छी न्यूज है, मैं बहुत खुश हूँ। वेटर, एक वेज पिज्जा, एक चाइनीज, एक नूडल, एक मंचाओ सूप और मेरे। एक मिनट, मुझे जॉब मिली है, पेमेंट नहीं। ऐसा क्या? सब कैंसिल, एक वेज पिज्जा। अब अभी मान गई हूँ, लेकिन एक बार तुम्हारी पगार हो जाएगी ना तो बिल्कुल भी नहीं सुनूंगी। अरे जानता हूँ मैं, तू मेरे लिए बहुत कुछ एडजस्ट करती है। भगवान की कृपा है, समझ में तो आया। हाँ तो। पर रॉकी आज मैं सच में खुश हूँ। मैं भी। अब ना मुझे लाइफ सेट करनी है। दादा, भाभी, चीकू, इन सब के लिए बहुत कुछ करना है मुझे। सब हो जाएगा। और मेरे मम्मी पापा से कब मिलने आ रहा है तू? आऊंगा, बस 3-4 महीने रुक जा, थोड़ा सेटल हो जाने दे काम में, फिर आ जाऊंगा। और वैसे भी तेरे आई बाबा से मिलना है तो मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना ही पड़ेगा ना। वो तो है। फिर अच्छा, वो सब छोड़, ये तेरे लिए स्पेशल गिफ्ट। वाओ रॉकी, ये कितना सुंदर है। अच्छा लगा तुझे? बहुत अच्छा है। अपनी लाइफ भी ऐसी ही होगी ना? हाँ बिल्कुल ऐसी ही। तू कह रही थी ना देर हो रही है, ले आ गया तेरा घर। आराम से उतर। अब चल जल्दी से हक कर वरना कोई देख लेगा। क्या है? क्यों जल्दी हक करूं? तो रोज ही आता ना मुझे यहाँ ड्रॉप करने के लिए। अरे रॉकी, मुझे नहीं जाना है घर पे। जब तू साथ होता है ना तो ऐसा लगता है कि ये वक्त बस यही थम जाए, सिर्फ तू रहे और मैं। अरे वैसे भी तो हम रोज मिलते ही है ना। हाँ मिलते हैं हम रोज, मैं कहा ना बोल रही हूँ, लेकिन उसके लिए तुझे कुछ नहीं करना पड़ता है, मुझे रोज एक नया झूठ बोलना पड़ता है। तुझे पता है जब मैं ऐसे बनठन के निकलती हूँ ना, तब आई मुझे पूछती है वाह आज कहाँ जा रही है तू, तब मैं बोलती हूँ आज इसका बर्थडे है, उसका बर्थडे है। उस अक्षय का बर्थडे तो मैं साल में 3-3 बार सेलिब्रेट करती हूँ। रॉकी मुझे तेरा नाम लेके घर से बाहर निकलना है, एकदम बिंदास्त, जहाँ मुझसे कोई भी सवाल ना पूछे। पर कब होगा ये सब? आज ही। क्या? चलना घर पे, आज बोल ही देता हूँ। पागल हो गया तू, जो मेरे दिल में है ना मैं सिर्फ वही बता रही थी। मैं भी तो जो मेरे दिल में है वही बता रहा था। रॉकी, मैं दिन रात बस तेरे बारे में ही सोचती रहती हूँ।
संजना, तेरे हर सपने को पूरा करने के लिए ही तो मैं जी रहा हूं। चलो जल्दी घर जा, वरना घर वाले देख लेंगे। बाय। बाय। तुझे कुछ और दूं क्या? बाबा, सुबह का मैच देखा आपने? क्या खेला ना धोनी ने? अरे फर्स्ट क्लास। ए, क्रिकेट छोड़ो, पहले खाना खा लो। अरे तुम रुको ना जरा, ये तो हमारा रोज का है। आ गई। अरे आ गई आ गई आ गई आ गई बेटी। तेरा इंतजार करते करते हम लोग खाने पे बैठ गए। क्या लेकर आई है तू? क्या ये? तुझे रोज रोज इतने अच्छे गिफ्ट देता कौन है? बाबा वो मेरे फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स देते हैं। क्लोज फ्रेंड्स? जरा मिलना चाहिए तेरे इन क्लोज फ्रेंड्स से। ग्रेट आइडिया है। तू एक काम करना, सबको घर पे बुला, मतलब सबसे मुलाकात हो जाएगी। सच में संजना, बुलाना सबको एक बार घर पे। हाँ बुलाऊंगी ना, तुझे देख लूंगी बाद में। ए झगड़ा बाद में कर, पहले खाना खाने बैठ। नहीं आई, मुझे भूख नहीं है। आजकल ये रोज बाहर खाना खा के आती है। ये बाहर का खाना हाइजीनिक नहीं होता है। हाँ बाबा। अरे बाबा मैं आती हूँ, दो मिनट में आती हूँ, बस दो मिनट में। अरे लेकिन गई बेटी की, अब शादी की तैयारी करो, तब जाके सुधरेगी। शादी? अरे अभी बच्ची है ये, इतनी जल्दी थोड़ी। ये सब छोड़ो ना, कल मैच है, वो पक्का देखेंगे। अरे देखेंगे ना, बिल्कुल देखेंगे। हंसाए कभी, रुलाए कभी, है ये कैसी जिंदगी। कभी है खाली, कभी है भरी, हुई शायरी जिंदगी। थोड़ी थोड़ी सी ये सिखा रही, हाँ थोड़ी थोड़ी सी ये, हाँ थोड़ी थोड़ी सी ये दिखा रही, थोड़ी थोड़ी हंसाए कभी, रुलाए कभी, है ये कैसी कभी करे बहाने, बने रे क्यों सयाने, है बची जो जिंदगी जी तेरे संग में। कभी हुए दीवाने, प्यार में गाए गाने, जिंदगी लगे किसी कहानी जैसी। कभी थोड़ी खुशी, कभी थोड़ी वेदना, तो भी ना रुक तू भाग चल रे मन। हंसाए कभी, रुलाए कभी, है ये कैसी जिंदगी। कभी है खाली, कभी है मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तू ऐसा सोच भी कैसे सकती है। तुझे पता है अगर बाबा को मालूम पड़ा कि तू लव मैरिज कर रही है तो बाबा को कितना दुख पहुंचेगा? ए देख रॉकी, मैं तो इस शादी के खिलाफ हूं। और संजना, आज के बाद तू रॉकी से मिलना नहीं, और रॉकी तू भी संजना से मिलेगा नहीं। लेकिन भैया मेरी बात तो संजना। राहुल, अरे यार मैं संजना से सच में बहुत प्यार करता हूं, मैं इसके बिना नहीं रह सकता। ए संजना तू रॉकी, रॉकी तू मुझे भूल जा और हमारे प्यार को भी भूल जा। Ha 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 ha!
सॉरी सॉरी, ये देख ये पूरा प्लान ना इसका था। अरे रॉकी देख, तू इससे प्यार करता है, ये तुझसे प्यार करती है, और तुम लोग घर पे बता के शादी करना चाहते हो ना, तो हम लोगों को क्या प्रॉब्लम होगी? अरे हमें तो खुशी होगी कि तू हमारा फैमिली मेंबर बन जाएगा। तुझे पता है आए बाबा ने भी लव मैरिज ही किया था। सच में? हाँ। अच्छा देख तू ऐसा कर, तू परसों घर पे आ जा, तब तक सतारा से बाबा भी आ जाएंगे, उन्हें भी सरप्राइज मिल जाएगा। चल मैं चलता हूँ, मुझे नाना साहब की कंपनी में बोनस बांटने के लिए कहा गया है। यार तू तो लकी है रे राहुल, अबे तुझे नाना सेठ की कंपनी में जॉब मिली है यार। रॉकी तू भी कोई कम लकी नहीं है, समझा? संजना है तेरे साथ। चलो बाय बाय, टेक केयर, बाय, शाम में जल्दी घर पे आ जाना, बाय। सॉरी। संजना कैसे डराया ना तुझे? तुझे क्या लगा हा? सिर्फ तू ही डरा सकता है मुझे, मैं भी कोई कम नहीं हूँ। अच्छा ठीक है बाबा, तू महान है। बराबर, शादी के बाद भी ऐसे ही रहना हा? अच्छा ऐसा? हाँ। संजना देखना, मुझे अच्छी जॉब मिल गई, अब तो अपनी शादी भी हो जाएगी। सच में अपना एक एक सपना पूरा होता जा रहा है, जिंदगी जीने का असली मजा तो अब आ रहा है। हम ना रॉकी बहुत अच्छे से घर बसाएंगे, तू मैं भैया भाभी हम सब ना मिल के रहेंगे, मुझे जॉइंट फैमिली बहुत अच्छी लगती है। अरे हाँ इम्पोर्टेंट बात बताना तो भूल ही गई, अपना बेडरूम उसे ना मैं सजाऊंगी, एक अच्छा सा पिंक कलर लगाऊंगी, बहुत अच्छे से सजाऊंगी, और ना बहुत सारे ना आर्टिफैक्ट्स रखेंगे, और पर्दे भी ना मैं ही सिलेक्ट करूंगी, ठीक है? कम ऑन, 1, 2, 3, 4, 5, कम ऑन, 6, 7, 8, 9, 10। अरे बाबा फोन उठाना यार, कब से बज रहा है? सर, उठा उठा उठा, कोई बात नहीं। ओके सर, थैंक यू। हेलो। हाँ बोल। क्या कर रहे हो? सो रहा हूँ अभी। क्या? अरे जिम में हो ना? वहाँ पे काम करते हैं लोग, सोने नहीं जाते। संजना मैं अभी बिजी हूँ, हम बाद में बात करें। थोड़ा देर बात करो ना मुझसे। अरे मैं नहीं बात कर सकता अभी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही रॉकी। तो इसमें मैं क्या करूँ? अरे वो जाने दो, मैं और दादा ना तेरे फेवरेट रेस्टोरेंट में आए हैं, तू भी आना खाना खाने के लिए। अरे संजना मैं नहीं आ सकता, मैं काम में बिजी हूँ, बात समझ में नहीं आ रही है तुझे? तू इतना चिढ़ क्यों रहा है? अरे मैं कहाँ चिढ़ रहा हूँ? तू इतना भड़क क्यों रहा है मुझ पर? अरे मैं कहाँ भड़क रहा हूँ? रॉकी तू क्यों चिल्ला रहा है? अरे मैं कहाँ चिल्ला रहा हूँ? मुझे बात नहीं करनी तुझसे, मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगी तुझसे, तू फोन करेगा ना तो भी बात नहीं करूंगी, बाय। क्या हुआ सर? अरे अगर मैं तुझे ट्रेंड करूंगा ना तो तेरी बॉडी आर्नोल्ड की तरह बन जाएगी, लेकिन इन लड़कियों को ना। मेरी बॉडी सर? हाँ हाँ तेरी तो बना ही दूंगा बे। यस। ये सब क्या है? क्यों उस बेचारे पर चिल्ला रही है? काम में है ना वो? बेचारा? हाँ? वो कोई बेचारा बेचारा नहीं है। हाँ? और वैसे भी ना मुझे मजा आता है उसे छेड़ने में। चल ऑफिस में मेरा कुछ काम है 5 मिनट का, वो खत्म करके घर चलते हैं। घर पे? हाँ? लेकिन आपने बोला था ना आप मुझे ड्रेस खरीद के दोगे, आपने प्रॉमिस किया था मुझे। तुझे वो बात अब तक याद है? भूलूंगी कैसे? चल। संजना फोन तो उठा। भगवान संजना राहुल 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 क्या हुआ? राहुल राहुल आई आई संजना अंदर आ क्या रहे मोहिते? साहेब यहाँ पर एक लफड़ा हो गया है।
ये सब क्या हो गया? संज्ञा बचा ले। संजना, संजना, तुझे कुछ नहीं होगा संजना। संजना, संजना, ना, 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 ना। संजना, 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 संजना उठा संजना, संजना बात करना मेरे साथ, संजना तुझे जैसा लगना है वैसा, चल, चल, लेकिन मेरे साथ बात कर, संजना, छोड़ो मुझे, संजना, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। मेरे साथ बात कर संजना, चल संजना बात करना, लड़की का रेप करता है और पुलिस के ऊपर हाथ उठाता है। चल अंदर तुझे दिखाता हूं। दादा एक मिनट सुनो ना, दादा दादा नमस्कार। क्या है, क्या काम है, चल निकल। एक मिनट दादा, मुझे एक बार उससे मिलने दो ना। अरे पर तू कौन है, किससे मिलना है तुझे? रॉकी। तुम लोग उससे मिल नहीं पाओगे। पर क्यों साहब? क्या चोरी, खून, बलात्कार और पुलिस के ऊपर हाथ उठाया है, ऐसे गंभीर तरीके के आरोप लगे हैं उसके ऊपर? नहीं साहब। अरे काले साहब ने बोला है उसको किसी से मिलने नहीं देना है, चलो निकलो। ओ साहेब, रॉकी ऐसा लड़का नहीं है, समझे ना। एक मिनट, वो कैसा है कैसा नहीं है काले साहब चेक कर रहे हैं, समझा? हाँ साहब, आप गुस्सा मत करो। सिर्फ दो दिन रुक तू, शनिवार रविवार काले साहब उसे बराबर चेक करेंगे, समझा? अब निकल। शंकर, शंकर, हाँ दया भाई। बोल काले। ये तो गुनाह कबूल करने के लिए तैयारी नहीं है। तू ना काले, बाई और बाटली में पूरी तरह से घुस गया है, तुझसे कुछ घंटा नहीं होगा। क्या चले, चल। हाँ चल। अरे काले, थोड़ा सांस लेना, ऐसा क्यों कर रहा है? अंगूठा लगा। दे भाई, दे भाई, अरे तेरी दे तो दे भाई, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तेरे, और सिर्फ तेरे ही नहीं, तेरा भाई है ना, भाभी भी है, छोटी बच्ची भी है, क्या नाम है उसका? चिकू। चिकू, चिकू, गला काट दूंगा, गला काट दूंगा तीनों का, और उसके बाद मारूंगा तुझे। सही कर दे भाई, दे भाई, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मैं आप शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मैं बात करता हूँ। ए बाबा, पागल आदमी है ये, इसके बारे में सबको पता है, देख तीन लोगों के मर्डर का पाप देख अपने सर पे मत ले रे। रुक रुक, मैं जबान दे रहा हूँ, उनको कुछ नहीं होगा, तुझे भी कुछ नहीं होगा, मैं जबान देता हूँ। हाँ उठ उठ उठ, चल 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 चल, उठ, करेगा करेगा करेगा। ए, नहीं नहीं नहीं, अंगूठा लगाए, अंगूठा।
इधर ये बहुत बढ़िया। जिंदगी में पहली बार ऐसा केस देखा, गर्लफ्रेंड का रेप किया इसलिए बॉयफ्रेंड अंदर चला गया। ए, काले। राकेश पवार और फरौकी को ये कोर्ट आजीवन कारावास की सजा देती है। सर अब क्या कर सकते हैं? अब मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारे भाई ने सारे गुनाह कबूल कर लिए, मैं क्या करूं? नहीं हम मानते हैं, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं नहीं मानता, पर वो निर्दोष है इसके बारे में तो निर्दोष? फिर जाओ ऊपर वाले कोर्ट में। पर हमारी ऐसी परिस्थिति नहीं, आप समझ क्यों नहीं रहे? एक काम करो, मुझे माफ करो और निकलो यहाँ से। बहुत आप इंसानियत के नाते सोचिए, रॉकी ऐसा कर ही नहीं सकता। इंसानियत के नाते उसके साथ जबरदस्ती हुई होगी, गुनाह कबूल कर रॉकी। रॉकी सिर्फ दो मिनट बात करने दो। पापा चाचा किधर जा रहे हैं? बेटी वो चाचा घर क्यों नहीं चल रहे? पुलिस क्यों ले जा रही है उन्हें? चाचा उनके साथ मत जाओ, चाचा घर चलो ना। चाचा चाचा घर क्यों नहीं आ रहे? मस्त गरम गरम नाश्ता लेके आया हूँ। बहुत मेहरबानी हो गई भाई, जा जल्दी लगा। हाँ ठीक है लगाता हूँ। रॉकी क्यों यार तू सोया नहीं रात भर? मास्क टीवी लगा के सोया था, है कि नहीं? पक्या का फोन? हाँ पक्या, क्या है? क्या टिप है? कलर पूरा ऊपर तक मार, देख कोई भी हिस्सा छूटना नहीं चाहिए, ऊपर से नीचे तक। तुम लोग फालतू का टाइम पास मत करना यहाँ पे, ऊपर से नीचे तक मुझे कुछ भी छूटा हुआ दिखना नहीं चाहिए, समझ गया ना? पूरा काम अच्छी तरीके से होना चाहिए, एक भी धब्बा दिखना नहीं चाहिए यहाँ। और पैसे की बात अपनी पहले से हो चुकी है, और काम करने के बाद ये मत बोलना कि बढ़ा के चाहिए, समझा? ए, चल निकल यहाँ से, चल। आ गए मूठ है। क्या देख रही है? कितना हैंडसम है, क्या बॉडी है। किसकी? मेरी। चल चल अंदर चल। इसकी तो रॉकी चला जा नाश्ता करते हैं। एक काम कर, तू वहां का सब कुछ हैंडल कर, मैं सब कुछ यहाँ का हैंडल करता हूँ। तू ठीक तो है ना? हाँ ठीक है, फोन रख। घर में सब कैसे हैं रे? दादा भाभी चीकू ठीक हैं सब? रॉकी भाई एक लोचा हो गया है। क्या? दया मर्डर केस का बाहर बहुत ही मजबूत बवाल हुआ है। और वो लड़कियां? उन लड़कियों का टेंशन तू बिल्कुल मत ले, वो पहुंच गए अपने अपने घर। एक बार जगू ने कमिटमेंट कर दी ना, तो फिर वो अपने आई की भी नहीं सुनता। लेकिन भाई तूने सबसे बड़ा प्रॉब्लम खड़ा किया है। उस दया को टपकाते वक्त तूने एक आदमी को जिंदा छोड़ दिया, याद है तुझे? उसके पीछे अब नाना हाथ धो के पड़ गया है, और वो काले उसकी तो ऐसी की तैसी यार, वो उसको लॉकअप में ही ठोकने वाला है। उससे पहले काले मरेगा। अरे पर कल ही दया को राज तुरंत ही काले, तुझे ऐसा नहीं लग रहा कि हम बहुत ही जल्दी कर रहे हैं? ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, 3 सालों से राह देख रहा हूं। जग्गू काले। डन। चांदी काया जैसे पेरू की डाली, हाय रूप मेरा चांदी चांदी काया जैसे पेरू की डाली, आंखें जहरीली बंदूक धारी, मैं हूँ नशीले छप्पर छुरी, हाय मेरे नशे में डूब के सारे हर कोई रात भर जगता, नजरों की प्याले से पीकर प्याले इंग्लिश बोलने लगता, भारी हूँ रे हूँ थोड़ी रंग बिरंग, थोड़ी देह सी हूँ थोड़ी थोड़ी
बादामी दिल को करता हर प्लेस मेरा ये नक्शा भारी हूँ रे हूँ थोड़ी रंग बिरंगे थोड़ी देसी हूँ थोड़ी थोड़ी बिरंगे भारी हूँ रे हूँ थोड़ी रंग बिरंगे थोड़ी देसी हूँ थोड़ी थोड़ी बिरंगे थोड़ी देसी थोड़ी इसकी तो ये भी खत्म हो गई। हाँ इधर क्या साहब? जा दो बाटी लेके आ जल्दी जा जा। साहब ढाबा बंद हो गया अभी। बंद हो गया है साहब ढाबा। ए भाड़खाओ पहचानता है ना मुझे? हाँ जा। कभी नहीं सुधरेंगी। कैसी है साहब? फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास तो होगी ही ना, पहले ही दार की है। तेरी तेरा चल बजा दे। गर्लफ्रेंड का रेप किया इसलिए बॉयफ्रेंड अंदर चला गया। भाई, ओ भाई, क्या करती हो तुम यहाँ पर? काम करती हूँ। रात को तू क्या काम करती है? जरा हमें भी बता। क्या बोल क्या रहे हो आप? क्या बोल रहा हूँ मतलब क्या? इतना बड़ा मर्डर हो गया है, हम तो पूछेंगे ना तुमसे। हम पुलिस हैं, हम नहीं पूछेगा तो और कौन पूछेगा? क्यों भाई, क्या बोलता है तू? राणे साने सब आ गए। सर क्या बंकर चल रही है? सर क्या है? आई विटनेस। देखो मैडम आप घबराओ मत, आपने जो कुछ भी देखा है वो सब सच सच बताओ। ठीक है साहब। इन्हें पुलिस स्टेशन लेकर जाओ। ठीक है सर। स्केच आर्टिस्ट को जो बोलना है सिर्फ वही समझाना। जी सर। चल भाई अवेली पे। राने सॉरी सर। सावन मैडम। हाँ सर। इन्हें ले जाइए। चलो। क्या ऐसा ही है ना? हाँ 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 सर, यही था वो। रिजवी आपने सही बताया ना? हाँ यही है वो। जोशी सर स्केच बन गया। हाँ ये काले का और ये दया का। एग्जैक्टली मैम, मुझे भी यही डाउट है। दया नाना के लिए काम करता था
और काले भी। मतलब ये लिंक हमें नाना के पास ले जा रही है, तो अब हमें नाना से मिलना चाहिए। यस मैम। पर उससे पहले इसे खोजो। श्योर। डायरेक्ट अपनी गैंग पर हमला कर दिया, धंधे में इतना नुकसान, किसमें इतनी हिम्मत आ गई? नाना सेठ कुछ तो करो। गनो, एक दो प्यादे मर गए तो भी ये राजा घबराएगा नहीं। नाना ऐसा राजा है जो अपने शत्रु को कुछ पता चलने से पहले ही चेकमेट करता है। पुलिस ने रॉकी का स्केच भी तैयार कर लिया है। रॉकी यार कुछ तो बोल प्लीज, आगे अब क्या करना है अपने को? ए जग्गू उठना, अरे बोलना उसको कुछ। रॉकी भाई अपना आगे का प्लान क्या है? गनो डैन अबे तू गायकवाड़ पता बराबर है ना? पता यही है मैडम, रॉकी का घर यही है, उसके भैया और भाभी यही रहते हैं। नमस्कार साहब। नमस्कार नमस्कार। अग्नि है आपके पास? क्या अग्नि? क्या माचिस की काड़ी, वो बीड़ी जलाने के लिए है आपके पास? चल निकल चल। सर मैं क्या बोल रहा हूँ वो क्या ये आपकी नई मैडम है क्या? अजय पवार। जी मैं ही हूँ। लीजिए ना साहब। थैंक यू मैडम। रॉकी कहाँ है साहब आपको पता नहीं? रॉकी पिछले 3 साल से जेल में ही है। सच में तुम्हें इस बारे में कुछ पता नहीं है? नहीं साहब, पर क्यों आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? क्या हुआ रॉकी को? 3 दिन पहले उसे दूसरे जेल में शिफ्ट करते टाइम हाँ वो वहां से भाग गया है। नहीं साहब मेरा विश्वास कीजिए, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। पर वो अभी है कहाँ? ठीक है मैं सिर्फ तुम्हें इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि उसने और भी खून किए हैं। रॉकी ने खून किया है? कुछ भी क्यों बोल रहे हैं आप, जो मन में आए वो आरोप मत लगाइए। मैं पहले बोल रही हूँ रॉकी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। अपने बच्चे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है मैंने उसे, वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। आप लोग भी दूसरे पुलिस वालों की तरह ही हो, उन्होंने भी ऐसा ही किया था, झूठे आरोपों में फंसा दिया था रॉकी को। तुम सब ने मिलकर फंसा दिया है मेरे रॉकी को, फंसा दिया है उसे। अरे देखो ना क्या बोल रहे हैं ये लोग। चल चल अंदर चल, मैं बात करता हूँ। चलो मैडम सॉरी, मैडम माफ करना। इनकी फीलिंग्स को समझ सकती हूं मैं, पर हम तो यहां आपकी मदद करने के लिए आए हैं और मैं आपसे यही उम्मीद करती हूं कि आप हमें कॉपरेट करेंगे। मैडम मैं अपने रॉकी के लिए आप जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूं। गुड। मैं कुछ गोलियां चेंज कर देता हूं, वो लेते आना। मैं आशा करता हूँ उसे जल्द से जल्द रिकवरी हो जाएगी। मैं भी यही आशा करता हूँ। चाचा मैं इनको छोड़ के आता हूँ और आते समय मैं दवाई लेकर आता हूँ। ठीक है जाओ। रॉकी भाई अब दोबारा मुझे अपने घर पे मत भेजना, पुलिस वालों की नजर है तेरे घर पे। ए दादा ठीक है क्या रे? हाँ अभी तो ठीक है। अरे हाँ सॉरी, तूने जो चीजें मंगाई थी ना वो सब की सब इसके अंदर हैं, तू चेक कर ले, तब तक मैं फ्रेश हो जाता हूँ।
मखमली मखमली है समा, आवाज दे रहा दिल बेसुमा। मखमली मखमली है समा, आवाज दे रहा दिल बेसुमा। जाग उठे दिल के अरमान, चूके नहीं जो छेड़ दिया। दिल की धड़क सुन साजना, दिल की धड़क सुन साजना, दिल की धड़क सुन साजना, दिल की धड़क सुन साजना। गमा पसनी सरे पपद मारे रे गमा पमागा, रे गमा पमागा पानी सागरे सानिसा। मन चली हो गई है सारी दिशा, चांदनी सर सर हवा बहे, हर पल यही कहे दूर नजारे साजना। दिल की धड़क सुन साजना, दिल की धड़क सुन साजना, दिल की धड़क सुन साजना। ये सारे डॉक्यूमेंट्स बराबर हैं ना? सर इसके ऊपर आपकी साइन चाहिए। पहले बराबर चेक करो, उसके बाद कहां साइन चाहिए बता देना। ओके सर। ठीक है। जय हिंद सर। जय हिंद। बैठिए। सर एक्चुअली गनू एक कड़क कॉफी बोल। कदम। सर एक्चुअली क्या हुआ है कि एक मिनट, सिर्फ एक चम्मच शक्कर। एक ही चम्मच? बोलिए। बोलू सर? सर दरअसल अरे सॉरी, लीजिए ना चाय लीजिए। नहीं चाहिए सर। तुम्हें चाहिए क्या? नहीं मैडम। नहीं चाहिए सर। सर जो दो मर्डर्स हुए हैं उनमें से एक का नाम है दया, बिल्डर है। कौन है रही ये दया? आप उसे अच्छे से पहचानते हैं सर? मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं पहचानता उसे। अच्छा ठीक है सर, जो दूसरा मर्डर हुआ है उसका नाम है इंस्पेक्टर काले, उसको भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे मालूम नहीं मैडम, हजारों लोग मुझे रोज मिलते हैं, मैं उनकी मदद करता हूँ, अब किस किस को याद रखूं।
इम्पॉसिबल। नहीं सर, बराबर है आपका कहना, पर क्या है ना सर, इन मर्डर्स के सारे लिंक आप तक पहुंच गए हैं, इसलिए मुझे लगता है कि आपको पुलिस प्रोटेक्शन बढ़ानी चाहिए। क्या मैडम, क्या था उस पुलिस ऑफिसर का नाम? काले। हाँ काले, तुम लोग तो उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। क्या मैडम, समझा इनको? नहीं सर। चलता हूँ मैं। हाँ पाटिल बोलो। हाँ इलेक्शन की तैयारी शुरू है। हाँ हाँ ये लोग दिख रहे हैं ना, ये हमारा प्रोटेक्शन है, तुमको प्रोटेक्शन चाहिए तो बोलो, भेज दूंगा डिस्काउंट में। अब क्या खाली सोफे से बात करोगे? जाओ ना, क्या दिमाग की दही कर रहे हो, निकलो। मैडम कहां पर है तू? मैं यही हूं, चौल के गेट के पास तो हूं। ठीक है, पर पुलिस का क्या? उनकी नाइट ड्यूटी शुरू हो गई है, सो गए वो। सच में? हाँ। जाएंगे कैसे? आप क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं अपनी धन्नो लेके आया हूं ना, ये ले चलेगी। ठीक है चल चल धन्नो। पुलिस की सायरन की आवाज आई थी, वो अपने लिए नहीं रे, अरे ग्राउंड फ्लोर पे जो मियां बीवी है उनका रोज का नाटक है उनके लिए है यार। तुम लोग फालतू का टेंशन मत लो, अब आइए ना। आओ दादा, अब आइए ना, हम नीचे जाके देखते हैं। ओके जल्दी आना। हाँ। एक नंबर के पट्टू है। हाँ बताओ, मुझे फोन किसने किया था? मैंने फोन किया, ये मुझ पर डाउट करता है। क्या रे? नहीं सर। बचाओ मुझे इस बदतमीज से। ये कहता है मैं छोटे बच्चों के प्यार में पड़ जाती हूँ। अंदर डाल दूंगा तुझे। तुम ही बताओ, मैं दिखती हूँ क्या ऐसी? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। इसके मन में ही बहुत डाउट है, मैं जरा से तुम्हारे पास के आ जाऊंगी तब भी इसके मन में डाउट आ जाएगा, मैं इसे हाथ रखूंगी तब भी ये डाउट करेगा, और मैंने ऐसे जरा किस किया तब भी ये मुझ पर डाउट करेगा। तुम ही बताओ, लगती हूँ क्या मैं ऐसी? तेरी बीवी कितनी सुंदर सुशील गुण वाली है, अच्छी है। अरे राने, तेरी बीवी आई देख। किधर किधर? फट गई ना? हाँ फट गई ना। अब इसके बाद अगर तू इसके पास गया और गलती से भी इसके ऊपर हाथ रखा तो मैं दोबारा तेरी बीवी का नाम बोलूंगा, समझा? साहेब हाथ, दोबारा इसको हाथ लगाना मत, मत लगाना हाथ इसे। चल चल यार, अब डाउट नहीं करूंगा तेरे ऊपर। आओ खाना खाते हैं। आज पुलिस आई थी घर पे, तुम लोग के बारे में पूछताछ कर रही थी। पुलिस को दो गवाह मिले हैं जिन्होंने तुम्हें पहचान लिया है, एसपी कल्पना मैडम। वो लेडी मुझे बहुत ही ईमानदार और होशियार लगी। सब लोग संभल कर रहना, उस लेडी का कोई भरोसा नहीं है ना, वो कभी भी तुम लोगों का। तुम लोग खाना खा लो, मैं जरा फ्रेश होके आता हूं। दादा,
दादा आप जो बताना चाहते हो ना वो मैं पहले ही आपकी आंखों में देख चुका हूं। रॉकी मुझे विद्या ने संजना के बारे में सब बताया था, पर तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। पिछले 3 साल में संजना के घर पे कितनी बार गया पर मुझे वहां कोई मिला ही नहीं। जिस दिन तुझे कोर्ट से सजा मिली ना उसके बाद से वो लोग गायब ही हो गए। मैंने अपनी तरफ से उन्हें खोजने की बहुत कोशिश की पर मैं उन लोगों को ढूंढ ही नहीं पाया। दादा मैं बहुत थक चुका हूं, मुझे सच में पता नहीं चल रहा है कि मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। रॉकी एक बात बोलूं, जिस दिन मेरी इन आंखों में तुझे अपने लिए गुस्सा नजर आए ना उस दिन तू समझ लेना कि तू गलत है। दादा दादा मैं बहुत थक चुका हूं। अरे भाई लोग, अरे संभाल कर। अरे ओके में ओके। अव्या रुपया, थोड़ी देर पहले अपना ये जो अजय दादा आया था ना, कितना प्यार करता है तुम लोगों से ये अजय दादा, बहुत अच्छा लगा यार देख के सच में। अपना तो एक ही बड़ा भाई है, सुल्तान भाई, सुल्तान भाई। यार जग्गिया, तू हमेशा सुल्तान भाई सुल्तान भाई करता रहता है। यार बताना हमें जेल में हुआ क्या था। बताता हूँ। अरे इनकी तो, ये जो लोग रेंट के घर में रहते हैं ना वैसे ही मैं जेल में रहा हूँ। हर 11 महीने में मेरी दूसरे जेल में ट्रांसफर होती ही थी। यार कितनी गर्मी हो रही है। लेकिन मेरे नसीब का खेल देखो, मेरी और रॉकी की एक ही जेल में ट्रांसफर हो गई। साहेब, साहेब, ध्यान करें आपका। अबे यार, जब उसका मैटर समझ में आया ना, दिमाग के तो तार ही हिल गए। तुम लोग को बोल रहा हूँ, मैं तो चांस ही ढूंढ रहा था उसका गेम बजाने का। सॉरी। जहां चांस मिलता था मैं वहां उससे भिड़ जाता था, लेकिन वो है कि मुझसे भिड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। Don't take tension, मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन एक दिन उसने मुझे वो चांस दे ही दिया। रहीम चाचा, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या? मैंने इंसुलिन लिया है, मुझे बहुत भूख लगी है। तो खाना खा लो ना। नहीं, जब तक सुल्तान नहीं आ जाता किसी को खाना नहीं मिलेगा। ऐसे कैसे नहीं देंगे वो? रुकिए मैं लेके आता हूँ। नहीं रुको रुको। तू तो बहुत ज्यादा शानपट्टी करने लगा है रे। हाँ सुल्तान भाई के पहले ही खाना खा लेगा। हाँ ये सब लोग जो खड़े के येड़े बन के खड़े हैं। हाँ छोड़। हाँ नहीं छोड़ता। हाँ छोड़। ले छोड़ दिया। ए रोक, इधर ही रोक, नहीं तेरे हाथ पांव तोड़े ना भेंडिये, रोक। सुल्तान भाई आपने को उसने, झिंगुर ने अपने ऊपर हाथ उठाया।
सुल्तान भाई, यही छे वो शाना जिसने अपने पंटर लोगों को फोड़ा है। अरे तेरे जग्गू पर भी इसने हाथ उठाया है। अपने को कुछ सुनना नहीं है सुल्तान भाई, इसके हाथ पांव तोड़ने की है। ये मेरे लिए खाना ले रहा था। खा ले। शुक्रिया बेटा। सुल्तान भाई, जेलर साहब ने बुलाया है आपको। नाम रॉकी है। यह जितना बाहर से शांत दिखता है उतना अंदर से नहीं है, पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही है उसे सब सच बताने की। हम तीनों का दुश्मन एक ही है, पर रॉकी से भी बुलवाना होगा। वो कैसे करना है वो तू खुद देख। तुझे इसी काम के लिए यहां पर शिफ्ट किया गया है। जेलर ने मुझे तेरे बारे में सब कुछ बताया है, लेकिन सुल्तान का एक उसूल है, जब तक वो सामने वाले के मुंह से कहानी नहीं सुनता यकीन नहीं करता। देख, तेरा और मेरा दुश्मन एक ही है। नाना बोल, क्या हुआ था? भरोसा कर, सुल्तान धोखा नहीं देगा। ओह माय गॉड, दादा कितना सुंदर ऑफिस है। हाँ, और वो देख, वो मेरी केबिन है। अच्छी है। दादा वॉशरूम, वॉशरूम वो देख सामने जा, ऊपर जाना राइट साइड में। ओके ओके, मैं केबिन में बैठा हुआ। हाँ हाँ, पूना का फाइल कहाँ रख दिया? आ, आ, क्या हो गया, क्या हुआ दादा? अब देखो ना, अब देखो ना, देखो ना। अब इधर इधर इधर। ए माल बराबर है क्या? चेक कर। माल तो बराबर है। मैं क्या बोलता हूँ, बोल। गन्नू सेठ को फोन लगा और यहाँ से माल निकालने को बोल। इसकी तो ट्रांसपोर्ट की स्ट्राइक आज ही होनी थी क्या? हाँ, वही ना यार, पर अपने गन्नू भाई बराबर है, सब संभाल लेते हैं। नहीं तो दया सेठ और नाना सेठ ने तो अपनी बजा दी होती। अब ये कब स्ट्राइक खत्म होगी, कब हम अपना माल बाहर निकालेंगे पता ही नहीं चल रहा है। हाँ रुक रुक, मैं गनू सेठ से बात करता हूँ, मैं उनको समझाता हूँ, चल। हाँ थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन। और हाँ, जाने के पहले तुम लोग अपना पता और नंबर देकर जाना, नहीं इनकेस कोई पूछताछ करनी पड़ी तो काम आएगा ना, है कि नहीं? हाँ बिल्कुल, चलते हैं। थैंक यू। नाम राहुल देशमुख। दादा मैं आती हूँ, पापा का फोन आया। ठीक है ठीक है, सेक्टर 16 बंगला नंबर 32। तुझे क्या जरूरत थी वहाँ जाने की? चुपचाप वापस चले आती, तुम लोगों को अगर कुछ हो जाता तो। आई दादा थे ना साथ में, तुम लोग कभी मेरा कहना मानोगी नहीं। चल तैयार हो, रॉकी आने वाला है ना। अरे हाँ मैं तो भूल ही गई, मैं ऐसा सोच रही थी कि आज नहीं बुलाते हैं उसे, पहले इतना सब कुछ हो गया कि मूड ही खराब हो गया है। ये देख, पिछले 5 साल से इंतजार कर रहा है रॉकी तेरे बाबा से मिलने का। तू बाबा को सरप्राइज देने वाली है ना, चल तैयार हो जा। ए संजना सुन ना, अपना दिन खराब गया ना उसका मत कर, आने दे उसे। संजना मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, लेकिन आप दोनों बोल रहे हैं ना तो आने दो उसे। रॉकी आएगा ना
तो तेरा भी मूड ठीक हो जाएगा। हाँ जा जा, फ्रेश होके तैयार हो जा, मैं खाने का देखती हूँ। अरे साहब आप, नमस्कार, आइए ना। डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं बिल्कुल नहीं, आइए आइए। यहाँ आने का कारण यह है कि मुझे थोड़ी और डिटेल चाहिए थी। ओके राहुल, कौन? नमस्कार, ये मेरी आई है। अच्छा अच्छा, और ये है काले साहब, अभी मैंने बताया था ना, वो यही है। क्या लेंगे, चाय कॉफी? चाय चलेगी, लाती हूँ। दूध जास्ती शक्कर कम। अरे हम पुलिस वालों का खाना है ये। आइए सर। हाँ बैठिए। वाह, बोलिए ना साहब। मस्त है। अरे बाप रे, मराठी आदमी के घर में झूमर। वो क्या है ना साहब, ये घर पुश्तैनी है। जब बाबा रिटायर हुए ना, तब उन्हें पैसा मिला, तो उन्हीं पैसों से हमने इसे रेनोवेट किया। क्या क्या करते थे बाबा? बाबा प्रोफेसर थे। अच्छा अच्छा, अच्छा एक बात बता राहुल, अब जो तेरा ये बॉस है, हाँ, नाना सेठ, हाँ, वो अगर इस केस में इन्वॉल्व होता तब तू तेरा क्या स्टैंड लेता? अगर नाना सेठ भी इन्वॉल्व होते ना, हैं, तो भी मैं पीछे नहीं हटता। करेक्ट, वेरी गुड। अरे नाना वाना से बड़ा कायदा होना चाहिए। मेरा भी यही मानना है, गुनेगार को सजा मिलनी ही चाहिए। गुनेगार को सजा मिलेगी। सच है। अरे मैं आता हूं एक मिनट। नाना के खिलाफ कंप्लेंट किया? राहुल! दादा! क्या किया तूने ये? क्या किया तूने? छोड़ मुझे! छोड़ दे मुझे! नाना सेठ का मजा! बहुत अरसे बाद किसी और के लिए आंख में आंसू आया है। इन्हें जाया नहीं जाने दूंगा। नाना की वजह से मेरी बीवी गई, सारे लोग गद्दार बन गए, नाना ने फंसाया मुझे। नाना तेरा भी दुश्मन है और मेरा भी, तू बदला लेना चाहता है ना? लेगा बदला, मारेगा, तोड़ेगा। तू अपनी तैयारी शुरू कर, तेरी जेल में सारी व्यवस्था मैं करूंगा। जग्गू। हाँ सुल्तान भाई। तैयारी शुरू कर। ठीक है। उबलता है खून ये मेरा, कब तक रहेगा घना अंधेरा? लड़ जाऊंगा मैं तो अकेला, देखना क्या जो होना वो होगा। उबल रहा है खून ये मेरा, रहेगा घना अंधेरा। डर जाऊंगा मैं तो अकेला, देखना क्या जो होना वो होगा। दर्द ये है क्या जो तूने सहा, आग बुझे ना दे दे हवा। आजा खुद से वादा कर ले, रुकेगा नहीं चाहे मर ले। तेरी आंखें खून की प्यासी हो, कर सामना, कर सामना।
गया भाई, ये सुल्तान यहाँ पर किसी को ट्रेनिंग दे रहा है। तो टपका ना उन दोनों को, हर बात बोलनी पड़ेगी क्या? ठीक है दया भाई। भुला दे यार अब काहे की चिंता, छोड़ दे मोह ये सारे, उजड़ चुकी है तेरी चारों दिशा, सपना क्यों देखे प्यारे, आ खेल तू। फोन लगा दया को, दया को बोल लड़के को टपका दिया है, बोल। बोले जिंगोर। हेलो हेलो दया भाई। हाँ। सुल्तान के लड़के को टपका दिया है। हाँ तो सुल्तान को भी टपका देना। हाँ हाँ दया भाई। इसका यहाँ रहना इसके लिए अच्छा नहीं है, शिफ्ट करो इसको, इसको शिफ्ट करने का टाइम आ गया है। और फिर विवेक साहब की मदद से मैं और रॉकी जेल से भाग गए और हमारा फर्स्ट टारगेट बना दया। जग्गू, कितना किया रे तूने रॉकी के लिए, तेरा उपकार कैसे उतारूंगा मैं? क्या दादा, उपकार की बात करके पराया मत बना। नहीं जग्गू, तू पराया नहीं है भाई, आज से तू मेरा और रॉकी का भाई है। दादा आइए जो दादा, बहुत नुकसान हो गया, ऐसा नुकसान होएगा तो हम रस्ते पे आ जाएंगे जी। नहीं नहीं ये नहीं चलेगा, हम क्या करेंगे, पार्टी का पैसा भी आ चुका है और पार्टी हम पर गुस्सा करता है, कितना टेंशन होता है। हा? दादा आई हेट टेंशन, दादा आई हेट टेंशन। फिर स्टॉक आ जाएगा, वो भी देश के हर कोने से। हाँ वो तो सब ठीक है, माल कब मिलेगा? गणेश चतुर्थी। हाउ डू वी ट्रस्ट, हाउ डू यू नो? गनू उसको उसकी भाषा में समझा, समुद्र को कभी नहीं पूछना कि नमक कितना मिलेगा। Don't ask the sea how much salt it can give. Hey, समझ गया क्या? निकलो। नाना सेठ, जबान देकर बहुत बड़ा रिस्क ले लिया है,
माल पकड़ा गया है। दया और काले अपने साथ नहीं हैं। उधर अपोजिशन वाले भी अपने को लटकाने के लिए पीछे पड़े हैं। माल लाने का कहां से और टाइम में डिलीवरी देने का कैसे? मैं अभी हूँ। बवंडर कितना भी बड़ा उठे तो भी पहाड़ को हिला नहीं सकता। गनु, प्रचार के दिन डिलीवरी हो जानी चाहिए। मुझे पैसा भी चाहिए और पावर भी, और काम होना ही चाहिए। परमिशन लेके आ, जा। परमिशन? किस बात की? नाना के रैली की, जा। एक काम करो ना सर, आप एक एप्लीकेशन दो, उस एप्लीकेशन पर नाना की साइन लाओ, फिर मैं वो एप्लीकेशन मैडम को दूंगा, मैडम वो अप्रूव करेंगी और तब जाके रैली निकलेगी। अरे कौन है तेरी एसपी कल्पना? कौन है? हाँ? मेरी सीनियर है। अरे तेरी सीनियर है रे, मेरी नहीं। ए गायकवाड़, उसे बोलने का हमसे टकराने का नहीं, क्योंकि जो भी हमसे टकराया उसे जमीन में गाड़ दिया। उठ! ए, औकात है क्या तेरी? उठ! उठ! मेरी औकात देखेगा? परमिशन चाहिए? ए, महंगा पड़ेगा। ले परमिशन। उठ ना, उठ! हमें प्रोटेक्शन दे रहा था ना तू, वो भी डिस्काउंट में। हाँ, अब डिस्काउंट में लाफा ले, लाफा दे दे, चल। बोलेगा फिर? बोलेगा? उठ 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 उठ। तेरे नाना को जाके बोल, नहीं देती परमिशन। हिम्मत है ना तो निकाल के दिखा रैली। नैपकिन दे रहे इसका, और अब कौन किसको गाड़ेगा और कौन किससे टकराएगा, टकराना समझा, वो सब एसीपी कल्पना तय करेगी, समझा? गायकवाड़। यस मैडम। कचरा बाहर निकालो। राने शाने। वो क्या है ना साहब, मैडम के घर में वॉशिंग मशीन नहीं है ना, इसलिए धोती आपको। और क्या है ना साहब, वो धोती तो है संभाल के, पर तुम पर तो पूरा उगल दी। नहीं, पाउडर तो है ना घर पे। मजबूत धोया रे टकले को। किधर साहब? निकाल, तू जबान देकर पलटी मत मार, समझ में आया क्या? ए पैसा काहे का मांग रहा है तू? हाँ, काहे का पैसा? तुझे नाना ने जितना पैसा बोला है उतना ही पैसा मिलेगा, समझा क्या? सुनाई दे रहा है कि नहीं? नहीं। ए देख, तू मेरा दिमाग मत खराब कर, जो हमसे टकराया उसे जमीन में गाड़ दिया। तूने दया को मारा, तूने काले को मारा, ए मार इसको। नाना, 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 नाना! अरे क्या हुआ गनो? नाना बहुत मारा, बहुत मारा। नाना, रॉकी नाम शैतान का, पूरा शैतान। उसने दया को मार दिया, उसने काले को भी मार दिया, आज आज मुझे भी मारने आया था। तुम्हें भी जमीन में गाड़ देगा वो। हाँ, तुम देखना, वो वही लड़का है। वो वही लड़का है जिसे हमने फंसाया था। दया ने उसे मारने की सुपारी दी थी जेल में। वो वही लड़का है, उसे सुल्तान ने ट्रेनिंग दी थी। मारो, सब लोग मारो मुझे। कल्पना ने मारा, रॉकी ने मारा। किसने ट्रेनिंग दी? सुल्तान ने। गनू,
छोड़ी। तू बच गया आज, नहीं तो छछुंदर तू बचा। ए छछुंदर तू है, छछुंदर किसको बोला? बोल नाना। रॉकी, तू मुझे जानता नहीं होगा लेकिन मैं तुझे अच्छे से पहचानता हूं। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, अब तेरी बारी। तेरे हर एक आदमी को मारूंगा। तू मुझे देखने के लिए तरसेगा लेकिन मैं तेरे सामने एक ही बार आऊंगा, तेरी मौत बनकर। देख लेना। अजय, रॉकी का केस हम रीओपन कर रहे हैं। मुझे इस केस में ना बहुत से लूप होल्स दिख रहे हैं। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल, रॉकी का स्टेटमेंट कहीं भी रिकॉर्डेड नहीं है। प्रोफेसर दिगंबर, वो आदमी उस दिन के बाद कहां गया ये किसी को पता ही नहीं। आई मीन व्हाट हैपेंड टू हिम? समथिंग फिशी। गायकवाड़ ये केस में मस्के की तरह सॉल्व करूंगी। मुझे बस वो प्रोफेसर दिगंबर ला के दो। यस मैडम। डोंट वरी अजय, रॉकी को कम से कम सजा मिले इसकी मैं पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू मैडम। अजय की हो गई पराजय। चल विद्या। अजय का एक्सीडेंट हो गया। मैडम, अजय का एक्सीडेंट हो गया है। अजय दत्ता अब इस दुनिया में नहीं रहे। All units stand by. Rocky, Rocky! Dada! 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 जियो। इसे कहते हैं मास्टर स्ट्रोक। एक भाई अप, एक भाई लॉक अप। क्या बात है, अपने दिन आ गए। जिसने नाना के लोगों को एक के बाद एक मारा ना चाचा, वो रॉकी ही था। और ये वही रॉकी है जो संजना से प्यार करता है। चाचा, उस दिन रात को रॉकी आपको मिलने के लिए आने वाला था और यही वो सरप्राइज था जो संजना और राहुल आपको देने वाले थे।
पर काले आपके घर से उसको पकड़ के लेके गया। और नसीब का खेल देखो, वो मेरे ही जेल में शिफ्ट हुआ। चाचा मैं भाई होकर, एक पुलिस वाला होकर अपनी बहन के लिए कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि आपने ही मुझे रोका था। पर रॉकी ने बदला लिया चाचा, और इन सब में रॉकी का भाई मारा गया। प्लीज चाचा, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। मैम, ऑल क्लियर। प्रोफेसर, मुझे आपसे सबसे पहले माफी मांगनी है कि मैंने आपको यहां मिलने के लिए बुलाया, पर इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। ठीक है, उस दिन जो कुछ भी हुआ वो मुझे आपके मुंह से सुनना है। केस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जानती हूं वो दिन याद करके आपको बहुत दुख होगा, बट इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। उस दिन मैंने संजना को फोन किया था। हाँ बाबा। हाँ, कहाँ है तू? बाबा, पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन? क्यों? कुछ नहीं बाबा, थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन अब सब ठीक है। दादा है ना साथ में? हाँ दादा है साथ में। तू तो ठीक है ना? हाँ बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। आपको कितना टाइम लगेगा आने में? दो घंटे लगेंगे, आ जाऊंगा। ठीक है बाबा, रखती हूँ मैं। हाँ विवेक। हाँ चाचा। जरा जल्दी से जल्दी घर पे पहुँच। और संजना ने कहा था कि ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। मैं निकला, घर पहुंचा और फिर देखा तो राहुल। देख देख कौन आया, देख। राहुल बोलना, क्या हुआ तुझे, बोल मेरे से। राहुल, चाची, राहुल, चाची, 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 क्या हुआ चाची, घर में कौन आया था चाची, बोल 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 चाची, बताओ ना मुझे कौन आया था। संजना, संजना, संजना बोलना, देख कौन आया, बोलना बोलना, मेरे से बोलना, मेरे से बोलना। देख देख कौन है, देख देख मेरी तरफ देख, संजना कौन आया, देख संजना, देख ना कौन आया, बोल ना संजना। शांत हो जाइए, जब तक मैं उन सबको सजा नहीं दिलवा देती तब तक मैं शांति से नहीं बैठने वाली। अब जो भी ऐसा गुनाह करेगा उसे सजा मैं दूंगी। नहीं नहीं, रॉकी, अजय की अस्थि विसर्जन के लिए कोर्ट ने परमिशन दे दिया तुझे।
तू ही चिंता निवारणी देवा दृष्टि कृपा मई नहीं सारे जग में कोई तुसा सखा रे तू ही चिंता मई देवा तू है महिमा मई तारे भक्तों को सदा यूं ही प्याला तेरी कृपा का पीने में दौड़ा आया है गजानना गाते गाते महिमा तेरी कंठ भर गया सुन ले आज मन की मेरे ओ गजानना नादनी नादला रे देवा नादनी नादला नादनी नादला रे देवा नादनी नादला नादनी नादला रे गणपति बप्पा मोरया नादनी नादला रे मंगल मूर्ति मोरया ए तू ए ए बाबा मुझे छोड़ दे मुझे छोड़ दे छोड़ दिया थैंक यू मुझे कैसे फंसाया वो अब तू बताएगा और नाना के सारे धंधों के बारे में भी बता दूंगा अभी बता पर अभी मूर्ति मोरया नादनी नादला रे देवा नादनी नादला रे गणपति बप्पा मोरया नादनी नादला रे गणपति बप्पा मोरया नादनी नादला रे बप्पा नादनी नादला Arrest him. जग्गू को अरेस्ट करो मैडम मैं रॉकी के सारे गुनाह अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हूँ बहुत से खून किए हैं इसने बहुत बड़ा गुनहगार है ये जग्गू जो करना चाहिए ना वही कर रहा हूं मैं अरे यार बचपन में जब मैं रास्ते पे फिरता था ना
तभी सब जन मेरी तरफ चोर की नजर से देखते थे, पर किसी ने भी मुझे प्यार से अपने पास नहीं बुलाया कि बेटा, बेटा तेरी माँ किधर है, तेरा बाप किधर है, तेरी फैमिली किधर है, फैमिली क्या होती है मुझे सच में मालूम नहीं था, और तेरी फैमिली को तेरी बहुत जरूरत है। ए रॉकी, जेल में मुझसे मिलने तो आएगा ना? रॉकी, मुझे माफ कर दे। नहीं बाबा, मैंने तुझे पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी। वो सब देख के मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, पर उसी समय एक आस ने मुझे जीने का सहारा दिया, और तभी नाना आया। उसने हमें शहर छोड़कर जाने की धमकी दी। मैं घबरा गया, उसके पैर पकड़कर अपनी बेटी की जिंदगी की भीख मांगी। विवेक को शांत रहने के लिए कहकर उसकी मदद से इस शहर को छोड़ कहीं दूर जाकर छिप गया। पिछले 3 सालों से कोई तेरा इंतजार कर रहा है बेटा।